हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th फॉर सेशन 2024-25 लॉन्च किया है और फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड है 041। सो आज हम ये पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और इसकी वीडियोस मैं रेगुलरली डालता जाऊंगा एंड एज सून एज पॉसिबल इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और प्लेलिस्ट इन वीडियोस की, इनके सोल्यूशन की प्लेलिस्ट आपको पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, हमें नहीं पता क्या पॉलिनोमियल है, बट हमें ये कहा गया है कि अगर उसका ग्राफ प्लॉट करें ना तो वो किस पॉइंट से पास होता है, -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। और हमें क्या बताना है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, उस पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं। ओके, तो ध्यान से समझना बच्चा, इसको मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाऊंगा। ग्राफ आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज इट इज जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ओके, ताकि अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए तो आप उसका आंसर दे पाओ। ओके, सो ध्यान से समझना बच्चा। तो सबसे पहले जैसे कि ग्राफ इसका है, इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका ग्राफ हम एक बार बना के देखते हैं। एज यू नो, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है एंड वाई प्राइम कहते हैं इस एक्सिस को, और जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इट इज अ एक्स एक्सिस, और इसको हम एक्स प्राइम कहते हैं। फाइन, अब ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और इसका ग्राफ हम ऑब्टेन करते हैं। इधर स्केल मैंने 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे लिया है, 5, 5 के गैप पे पॉइंट्स लिए हैं। वैसे यूजुअली हम 1, 2, 3, 4 लेते हैं, लेकिन मैंने 5 का लिया बिकॉज इसमें हमारे पास 20 और -30 ऐसे नंबर्स भी हैं। ओके, सो अब प्लॉटिंग करते हैं इसकी, फिर देखते हैं कि इसके कि क्या जीरोस आएंगे और कितने जीरोस होते हैं, ये भी हम देखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके, सो बच्चा पॉइंट्स प्लॉट करके हम ग्राफ बनाएंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, -6, 0, तो एक्स एक्सिस में -6 हमारा कहाँ होगा, -5 के थोड़ा सा इधर, क्योंकि -6 है, देन -7, -8, -9, फिर -10 है, ये हमने 5, 5 का गैप लिया है, तो -6 हमारा कुछ इधर होगा, और वाई एक्सिस पे 0 ये रहा, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑन द एक्स एक्सिस, देखो ये मैंने डार्क कर दिया, पॉइंट मार्क कर दिया -6, 0, तो हम इसको पॉइंट को लिख भी देते हैं -6, 0। अब सेकेंड पॉइंट है 0, -30, एक्स पे 0 बच्चा ये रहा और y एक्सिस पे -30 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो पॉइंट जो है ना बच्चा जब भी x 0 होता है तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, और y एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा, -30 पे, तो -30 यानी कि 0, -30 हमारा यहाँ आ जाए। और उसके बाद 4, -20 है x एक्सिस पे, 4 कहाँ होगा बच्चा, देखो इधर 5 से थोड़ा सा इधर, तो यहाँ 4 हो गया और -20 हमारा यहाँ पर कहीं आएगा, फाइन, तो ये -20 हो गया 4, -20, और लास्ट पॉइंट 6, 0 का आएगा, और y एक्सिस पे 0 है तो पॉइंट जो है ना बच्चा जब भी y 0 होता है पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, क्योंकि 6, 0 है तो पॉइंट कुछ इधर आएगा, देखो ये 5 के बाद यहाँ पर ये 6, 0 हो गया पॉइंट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखो बच्चा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, तो ये ग्राफ बन गया हमारा। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है कि जो ग्राफ होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसके नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे देखते हैं कि वो कितने पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अगर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में हो, पी ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो उतने उसके जीरोस होते हैं। अब ये जो ग्राफ है, अब देखो बच्चा ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, और 2 जीरोस की वैल्यू क्या होगी, वो होगी बच्चा जैसे कि ये -6, 0 पे और 6, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो ही इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो अब देखो बच्चा एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कौन सा है, -6, 0 के, -6 है, तो 1 जीरो तो इसका -6 हो गया, और दूसरा जीरो कहाँ से मिलेगा, सेकेंड पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है, सेकेंड पॉइंट कौन सा एक्स एक्सिस पे, 6, 0, तो वो उस पे एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है, तो -6 एंड 6 2 जीरो होंगे, और इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो इसको हमें शॉर्ट ट्रिक से करना होगा,
और विद इन सेकेंड इसको हम कैसे कर सकते हैं ध्यान समझना। जैसे कि मैंने बताया कि जो ये ग्राफ है y x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने इस पॉलीनोमियल के जीरोज होंगे। अब x एक्सिस पे कब कट करता है ये जो ग्राफ होता है, जब y की वैल्यू जीरो होती। तो अब हम जो क्वेश्चन में से वो पॉइंट्स ले लेंगे जहां पर y जीरो है। अब बच्चा y जो है किस पॉइंट पे जीरो है, y की वैल्यू किस पॉइंट पे जीरो आ रही है, एक तो माइनस 6.0 पे और दूसरी 6.0। तो इसमें से x की वैल्यू ले लोगे तुम माइनस 6 एंड 6 और फिर डायरेक्टली मार्क कर देना जीरो माइनस 6 एंड 6। तो फाइनली हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा।